हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो एल्कीन का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसमें हमें आज पढ़ाना है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल कैसे ऐड होता है और उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। और दूसरा मुझे आज आपको पढ़ाना है मार्कोनिक ऑफ रूल, मतलब पहला एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड हम लोग करेंगे। तो सिस्टमेटिकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोफाइल जब एल्कीन पर जुड़ते हैं तो कौन सी स्टीरियो केमिस्ट्री फॉलो होती है, जो प्रोडक्ट बनता है उसका क्या नेचर होता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन, और जब स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने आप समझ जाओगे कि अब कैसे हम प्रोडक्ट बनाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। डिले नहीं करते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं, और हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो हेडिंग क्या रहेगा? एडिशन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एडिशन रिएक्शन, यही है हमारा हेडिंग। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कैसे मैकेनिज्म फॉलो करना है और क्या क्या चीजें करनी है, आइए मैं आपको सबसे पहले बता दूं। देखिए, सबसे पहले जानने की जरूरत है कि रिएजेंट कितने टाइप के हो सकते हैं और सबस्ट्रेट कितने टाइप के हो सकते हैं। अगर इन दोनों में हमें कोलेबरेशन हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सो पहले हम लोग यही मैं आपको सिखाने वाला हूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो दोनों पॉसिबिलिटी देखिए। देखो भाई, हमारे पास सबस्ट्रेट क्या है? एल्कीन है ना। हमारा जो सबस्ट्रेट है वो भैया एल्कीन है, और हम सबको पता है सबस्ट्रेट जो एल्कीन है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। सिस हो सकता है, सिस एल्कीन हो, मतलब उसकी एक अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो। दूसरा हो सकता है एल्कीन ट्रांस हो, एल्कीन क्या हो? ट्रांस हो। तो दो टाइप में से कोई भी एल्कीन हो सकता है, सिस भी हो सकता है और ट्रांस भी। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वहां हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री ज्यादा फोकस करना नहीं पड़ेगा। बट अगर वो स्टीरियोकेमिस्ट्री शो कर रहा है तब फिर हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में पता करना ही पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, समथिंग डार्क दिख रहा होगा ना, बस एक मिनट। तो स्टीरियो केमिस्ट्री हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाता है, रिएजेंट का रोल है ना। रिएजेंट कितने टाइप के हो सकते हैं और रिएजेंट का क्या क्या रोल हो सकता है। तो हम अब देखेंगे रिएजेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और रिएजेंट का क्या क्या रोल हो सकता है। तो जैसे हमारा सबस्ट्रेट है सिस और ट्रांस फॉर्म में, दो फॉर्म में है ना रिएजेंट, सिस भी है और ट्रांस भी है, ऐसे ही हमारा सबस्ट्रेट, मैंने सबस्ट्रेट बताया, सबस्ट्रेट सिस और ट्रांस है, ऐसे ही हमारा रिएजेंट भी दो टाइप से होता है, जो एक सिन एडिशन देता है और एक क्या करता है, एंटी एडिशन देता है। तो अभी देखो बच्चों, यहां जो आप देख रहे हो इस केस में हमें सबस्ट्रेट के बारे में पता चला। दूसरा आप देखते हैं रिएजेंट के बारे में। अब हमारा जो रिएजेंट है वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है इसकी। तो जो रिएजेंट्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के होने का मतलब यहाँ पे ये है कि दो टाइप से इनकी अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है। कुछ रिएजेंट सिन एडिशन देते हैं। सिन एडिशन का मतलब क्या होता है? सेम फेस से, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों कहाँ से आएगा? सेम फेस से आएगा, तो सिन एडिशन। और कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जिनमें आपको क्या मिलेगा? एंटी एडिशन। ठीक है, एंटी एडिशन मिलेगा। एंटी एडिशन का मतलब होता है सेम ग्रुप अपोजिट साइड से आएंगे, मतलब जो भी रिएजेंट के पार्ट होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट फेस से आएंगे तो एंटी एडिशन, सेम फेस से आएंगे तो सिन एडिशन। तो चलो जरा लिखते हैं इसमें क्या लिखेंगे। व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है बोथ एडेड फ्रॉम सेम फेस, बोथ एडेड फ्रॉम सेम फेस, जब दोनों सेम फेस से ऐड होते हैं, एडेड फ्रॉम सेम फेस मतलब एक ही प्लेन पे होंगे, या तो एबव द प्लेन दोनों जुड़ेंगे या तो दोनों बिलो द प्लेन जुड़ेंगे, तो सिन एडिशन कहेंगे। और दूसरा है व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट एडेड फ्रॉम अपोजिट फेस। ठीक है, जब दोनों क्या हों? अपोजिट फेस से जुड़ेंगे तब। तो इस केस में आप देखोगे अपोजिट फेस से जब जुड़ेगा उसको एंटी एडिशन बोलेंगे, और सेम फेस से जब जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, उस केस को में हम लोग बोलने वाले हैं उसको स्पेसिफिकली सिन एडिशन। तो सिन में दोनों इनकमिंग जो ग्रुप होते हैं वो सेम फेस से जुड़ते हैं, और एंटी में जो जुड़ने वाले दोनों ग्रुप है वो अपोजिट फेस से। अब देखो भैया, आप जरा समझो यहां पे,
सिन का मतलब सेम साइड है, तो सेम साइड को हम यहां पे बस सिंबलाइज कर रहे हैं प्लस से। प्लस का मतलब एक ही साइड दोनों है, और जब दोनों अपोजिट साइड होंगे तो उसको माइनस बताऊंगा, ठीक है। उस पर क्या करेंगे हम लोग, निगेटिव मानेंगे। एंटी एडिशन मतलब अपोजिट साइड है, अपोजिट का मतलब माइनस मानेंगे, और प्लस का मतलब दोनों कहाँ है, सेम साइड। तो जब दोनों सेम साइड होंगे तो प्लस, जब अपोजिट साइड होंगे तो माइनस, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी देखो, सिस में क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड है ना, सिस में क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड। तो जब सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो सिस कहलाएगा, और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस कहलाएगा, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। तो दो पॉसिबिलिटी है यहां पे भी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो सेम साइड है उसको प्लस मानेंगे, और जो अपोजिट साइड है उसको माइनस मानेंगे, ठीक है, उसको क्या मानेंगे, माइनस माना जाएगा। ये इतना चीजें हमको क्या करना, अंडरस्टैंड रखना है, हमें ये मान के चलना है कि इतनी चीजें होती हैं, ठीक है। ये दो चीजें क्या है, होती है, इसको समझ के पहले रखना है बस। अब हमें दोनों के बारे में पता चल चुका है, सबस्ट्रेट के बारे में भी और रिएजेंट के बारे में भी। अब दोनों का हम करेंगे वन बाय वन एडिशन, ठीक है। सो अब जरा देखिए सब लोग, कंप्लीट स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब हमारा एक साइड सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट है, दूसरा हमारा रिएजेंट हो जाएगा, दूसरा हमारा रिएजेंट हो जाएगा, और तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट की क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, इसके बारे में हमें पता चलने वाला है, ठीक है। तो चलिए जरा तैयारी कर लीजिए, आपको अभी तुरंत सारा कुछ पता चलने वाला है। तो पहले तो सबस्ट्रेट, हमें पता है सबस्ट्रेट ही दो टाइप का हो सकता है, रिएजेंट भी दो टाइप के हो सकते हैं, तो प्रोडक्ट में भी पक्का पक्का है कि दो ठो तो बनेगा ही बनेगा, है ना, दो दोनों बनेंगे। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट लेते हैं, रिएजेंट को कॉन्स्टेंट रखेंगे, फिर प्रोडक्ट देखेंगे, फिर सबस्ट्रेट को बदलेंगे, रिएजेंट को भी बदलेंगे, फिर प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलो जरा देखो सभी लोग, मान लेते हैं हमने सबस्ट्रेट लिया सिस, हमने क्या लिया, सबस्ट्रेट सिस फॉर्म लिया। तो सिस फॉर्म मैंने अभी आपको बताया था, इसको प्लस माना हूं मैं, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स से समझा दूंगा, इसको मैंने प्लस माना है, ठीक है। सिस फॉर्म को हमने क्या माना है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव पर जरा देखो बच्चों क्या करना है, ये दो टाइप एडिशन दे सकता है, हम एक बार सिन एडिशन करा के देखेंगे, और इसी सिस पे एक बार हम लोग एंटी एडिशन करा के देखेंगे, दोनों करेंगे, सिस फॉर्म पे सिन एडिशन भी कराएंगे और सिन फॉर्म पे एंटी एडिशन भी कराएंगे। तो सिन का साइन होता है पॉजिटिव और एंटी का साइन होता है निगेटिव। अब सिंपल सिंपल देख लो, प्लस जब प्लस पे रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, प्लस ही बनाता है, प्लस ही बनाता है, ठीक है, प्लस। अब यहां पे प्लस का मतलब होता है मीजो कंपाउंड, ठीक है, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो इक्वल भाग में कट जाते हो, है ना, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, उनको हम लोग बोलते हैं मीजो कंपाउंड। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मीजो मिलेगा, और मीजो में भी सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं। जब हम मीजो बनाते हैं बच्चों तो देखना ऐसे बनता है, ये मीजो टार्टरिक एसिड है, सेम ग्रुप किधर है, सेम साइड। तो जब भी प्रोडक्ट बनेगा सेम ग्रुप सेम साइड होंगे तो मीजो कहलाएगा, ये हमारा मीजो कंपाउंड है। तो प्लस ने प्लस के साथ रिएक्ट किया तो प्लस ही बनाया, मतलब सेम ग्रुप वाला, जब सेम ग्रुप है सेम साइड से एडिशन करेगा तो सेम साइड प्रोडक्ट देगा, दैट इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड, ठीक है, उसको मीजो कंपाउंड बोलते हैं। और जब प्लस माइनस से करेगा तो माइनस हो जाता है, उसको हम लोग रेसमिक बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर माइनस होते हैं क्योंकि रेसमिक मिक्सचर में क्या होगा, एक OH इधर दूसरा OH उधर हो जाता है, अपोजिट साइड में हो जाते हैं। तो जब अपोजिट साइड में होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेसमिक मिक्सचर, और जब सेम साइड में होगा तो मीजो। मीजो के साथ साथ एरिथ्रो भी होता है, ठीक है, एरिथ्रो भी होता है, मीजो या एरिथ्रो, और रेसमिक होगा या थ्रियो होगा। थ्रियो कंपाउंड स्टीरियोकेमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे, आप लोग पढ़े भी होगे, थ्रियो जो होते हैं उसमें सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, रेसमिक में भी सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, सिमिलरली मीजो में सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, और एरिथ्रो में भी सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं। तो आपको इन दोनों जगह दिखाई देगा कि ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, प्लस माइनस के साथ माइनस बनाता है, प्लस प्लस के साथ प्लस बनाता है। ये सिंपल सा मैथमेटिकल है, आप उससे लगा ले जाओगे, ठीक है। ये पहला था जब हमारा सबस्ट्रेट क्या हो, सिस हो। दूसरा क्या हो, जब हमारा ट्रांसफॉर्म हो, सबस्ट्रेट किस फॉर्म में हो, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म में मतलब ये निगेटिव हो,
और फिर इस पे दो टाइप का एडिशन हो सकता है, सीन एडिशन हो सकता है और एक एंटी एडिशन। रिएजेंट सीन वाले भी जुड़ सकते हैं इस पे, एंटी वाले भी। तो सीन होगा तो पॉजिटिव, एंटी होगा तो नेगेटिव। अब इस बार नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ क्या रिजल्ट दिया है, रेसमिक मिक्सचर। तो यहां पे क्या होगा, जब एंटी पे आप सीन जोड़ोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा रेसमिक, रेसमिक या थ्रियो, रेसमिक या थ्रियो, उसको नेगेटिव साइन। और जब माइनस माइनस से होगा तो क्या करेगा, प्लस बना देगा, तो इसको बोलते हैं मीजो या एरिथ्रो, मीजो या एरिथ्रो, इसको हम लोग प्लस बोलेंगे। बस यही सिंपल सा एडिशन का रूल है। देखो आप सभी लोगों को साफ साफ दिखा दिया मैंने, मैंने दोनों बना दिया। अब देख के मुझे बताओ कितने लोगों को समझ में आ गया। ये दोनों केस का मैंने यहाँ पे अच्छे से बना दिया है, सिन का भी और एंटी का भी, प्लस और माइनस भी। सबस्टेट क्या होगा तो क्या बनेगा, और सबस्टेट कैसे चेंज होता है तो क्या बनता है, ये मैंने आपको दोनों चीज़ यहाँ पे कंप्लीटली दिखा दिया है। देखो सबको दिखाई दिया, ये रहा आपका कंपाउंड। ठीक है, ये आपका पहला हो गया सिस वाला और ये हो गया ट्रांस वाला। बोलो समझ में आया, सिस और ट्रांस दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको यहां पर समझा दिया। सिस होगा तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस होगा तब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, सिस कंपाउंड का प्रोडक्ट क्या होता है और ट्रांस कंपाउंड का प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों चीजें यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। बस आपको यही याद रखना है सिस से क्या बनेगा और ट्रांस से क्या बनेगा। तो जब हमारा एल्कीन सिन एडिशन देगा और जब हमारा एल्कीन एंटी एडिशन देगा, जब हमारा ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन देगा और जब ये एंटी एडिशन देगा, तो अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। सिन वाले से मीजो मिलेगा, एंटी वाले से रेसमिक मिलेगा, और ट्रांस में सिन वाले से रेसमिक मिलेगा और एंटी वाले से मीजो मिलेगा। ये हमारा है कंप्लीट स्टीरियो केमिस्ट्री, यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज होता है। सो आई होप कि आप सभी लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। आया समझ में, आगे चला जाए, इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे कितने टाइप के रिएक्शन एल्कीन देता है, कौन कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, आइए वन बाई वन हम लोग उसको सीखते हैं। ठीक, पहले देखेंगे कितने टाइप के रिएजेंट है और हमें क्या क्या पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन बाय एल्कीन। ठीक है, सभी लोग वीडियो लाइक करते चलो बच्चों। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इसमें जो ऐड होते हैं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन गिवन बाय एल्कीन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन गिवन बाय एल्कीन बहुत सारे हैं और सब पढ़ने हैं। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है एल्कीन के, वो आपके रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट होते हैं। तो आप लोग यहाँ सब सीखोगे, आप लोग यहाँ पे सब सीखोगे, तैयार रहो, बस सीखना ही तो है, सीख सीख के सारा कुछ जान जाओगे। बस कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे, आपको देखिए सब कुछ मिलेगा। अब देखो कौन कौन सा रिएक्शन है, वन बाय वन आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहला इसमें होता है एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड, ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड्स। यहाँ पे सबसे पहले हैलोजन हैलाइड का एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड्स मतलब HX का एडिशन, ठीक है, HX में HCl, HBr, HI कुछ भी जोड़ सकते हैं, HX का एडिशन। दूसरा होता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, इसमें पानी जोड़ता है एल्कीन पे, एल्कीन पे हम लोग क्या करते हैं, पानी जोड़ते हैं। और ये हाइड्रेशन ना पांच तरीके से होता है, टोटल फाइव तरीके से। कौन कौन सा, पहला होता है एसिड कैटलाइज्ड, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। दूसरा होता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन, ये पूरा पढ़ना है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन। तीसरा होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन
चौथा होता है प्रीवॉस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन, नहीं डाइहाइड्रोक्सिलेशन यहाँ नहीं लेंगे, मोनो ही रखेंगे ठीक है, इसमें तीन ही रखो, डाइहाइड्रोक्सिलेशन में चार करेंगे ठीक है। ये हमारा हो गया हाइड्रेशन ऑफ एल्किन में तीन पार्ट, ये तीनों हाइड्रेशन ऑफ एल्किन में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद तीसरा आ जाओ जो थर्ड है, थर्ड इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, इसमें हम लोग एल्कीन का ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन दो तरीके से होता है, एक होता है बाय द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक होता है विदाउट क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीडेशन जब होगा तो देखिए कैसे होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन टू वेज, एक विदाउट क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, विदाउट क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कट के अलग नहीं होगा, बचा रहेगा ठीक है। और दूसरा होता है विथ क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, विथ क्लीवेज ऑफ, यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या होता है, कट के अलग हो जाता है, दोनों डबल बॉन्ड क्या होंगे ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, एक इधर चला गया इधर बीच में से कट जाता है, तो उसको बोलते हैं विथ क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड ठीक है। अब विदाउट क्लीवेज वाले कौन कौन है और विथ क्लीवेज वाले कौन कौन है, देखो विदाउट क्लीवेज में जो जो आता है उसका नाम देखिएगा, इसमें आता है डाइहाइड्रोक्सिलेशन, डाइहाइड्रोक्सिलेशन, दूसरा होता है इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन, इन दोनों से क्या होता है एल्कीन ऑक्सीडाइज तो होता है बट डबल बॉन्ड क्लीव नहीं होता, वो बचा रह जाता है, उसमें क्लीव होके सेपरेट नहीं होता, वो बचा रहता है, अलग अलग नहीं होता है। और जो दूसरा है इसमें आता है ओजोनोलिसिस, यहाँ कट जाएगा ओजोनोलिसिस, और तीसरा है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, इसके साथ क्या होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्लीव हो जाता है। तो ये हमारा हो गया तीन रिएक्शन ठीक है ना, ऑक्सीडेशन, इसके बाद चौथा भी आएंगे हैलोजिनेशन ठीक है। ये तीन रिएक्शन हो गए आपके यहाँ पे, उसके बाद चौथा आ जाइए जो फोर्थ रिएक्शन है हमारा, फोर्थ इज हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन में दो टाइप का होता है, एक एडिशन ऑफ हैलोजन, एक में होता है सब्स्टिट्यूशन बाय हैलोजन ठीक है ना। तो एक पढ़ोगे एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, यहां पे आपका हैलोजन का एडिशन होगा, तो पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन में कौन कौन ऐड होता है, यहां पे पढ़ोगे एक पहला ब्रोमीन इन CCl4, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ब्रोमीन इन वाटर, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे NbS इन द प्रेजेंस ऑफ, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, वाटर अमोनिया कुछ भी ले सकते हो ठीक है, NbS और न्यूक्लियोफाइल के साथ लिया जाता है। तीन ये हैलोजन ऐड करने वाले कंपाउंड हैं, ये तीनों से हैलोजन ऐड होता है ठीक है। और दूसरा जो है हमारा इसी में, ये पहला हो गया, अब इसमें जो दूसरा होता है दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाई हैलोजन, सब्स्टिट्यूशन, हैलोजन से सब्स्टिट्यूशन भी होता है, सब्स्टिट्यूशन बाई हैलोजन, हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन बट यहाँ पे आएगा तो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे इसमें बेसिकली एलाइलिक हैलोजिनेशन आता है, एलाइलिक हैलोजिनेशन, तो हमें इतने टाइप के रिएक्शंस पढ़ने हैं और जो भी आपको करना है उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए मैंने आपको सभी रिएक्शन का पूरा डिटेल बता दिया कि हम कौन कौन सी चीज़ें करने वाले हैं। एल्कीन के इतने रिएक्शन हैं और इसके अलावा एक और है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन ठीक है। लास्ट में पांचवा रिएक्शन क्या पढ़ेंगे हम लोग, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन जब पॉलीमराइज होता है तो पॉलीथीन बनाता है, टेफ्लॉन बनाता है, रबर बनाता है, ये सारा चीज यहां से एल्कीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है, तो हमें उन चीजों को भी पढ़ना है, हम सब वो सारी चीजें पढ़ेंगे। सो आई होप कि आप सभी लोग को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी कि हमें क्या करना है पूरे एल्कीन में। सो आ गया इतना तक सबको समझ में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, अब वन बाय वन पढ़ना चालू करेंगे। आज सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं
एडिशन ऑफ हैलोजन। सबसे पहले हम लोग हैलोजन का एडिशन करेंगे, ठीक है, रेडी हो सभी लोग? तो जो बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हम लोग आगे चलने वाले हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एडिशन ऑफ हैलोजन। आपको मैंने सारा बेसिक बातें एल्किन के एडिशन बता दिया। देखो मैं इतना डिटेल में इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैकेनिज्म का पार्ट है, अगर थोड़ा भी मिस हुआ उड़ जाएगा, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको नफरत ही हो जानी है। इसीलिए आप पूरा चीज़ें बड़े एकदम इत्मीनान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक भी चीज़ गड़बड़ नहीं होना चाहिए और ना मैं होने दूंगा। सो इसीलिए मैं बड़े आराम से एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ गड़बड़ ना होने पाए। तो जो बच्चे अभी ज्वाइन नहीं किए हैं उनको लिंक भेज कर ज्वाइन करा दिया जाए जल्दी से, आप लोग भी सेंड कर दो और हम लोग भी कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कर लेंगे अभी ख़त्म। तो चला जाए आगे नेक्स्ट। अब चलो हेडिंग डालो, एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड। यहीं से कहानी होगी स्टार्ट, एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड से, जिसमें हमें मार्कोनिक ऑफ रूल पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हैलोजन हैलाइड, हैलोजन हैलाइड बोलते हैं HX। अभी आपको वन बाय वन समझाता हूँ चीज़ें, जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको एकदम अच्छे से हम लोग क्या कर लेंगे, चीड़ फाड़ के उसके बाद ही पढ़ेंगे। मतलब चीड़ फाड़ का मतलब ये है कि एक भी ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए जो लगे कि सर ये कैसे है ना, कोई भी ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए। तो हैलोजन हैलाइड क्या होते हैं, HX है ना, HX। और हम सबको पता है HX में X बराबर क्या हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है और आयोडाइड भी हो सकता है। और हम सब जानते हैं जो हमारा HX है ये एसिड है, ठीक है ना। HX क्या करता है, एसिडिक बिहेवियर, एसिड है, एसिडिक नेचर है। और हमें पता है एसिडिक नेचर जो HX का, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, उसका सबसे अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, HI मोस्ट एसिडिक, देन HBr, देन HCl, देन HF। टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक करेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। तो हम सब जानते हैं कि जब हम इसका एडिशन करने जा रहे होंगे तो पहले देखो इलेक्ट्रोफाइल यहीं से आना है ना, यहाँ से टूटेगा तो हमारा HX बनेगा, H+ और X-। तो आप बच्चों बताओ इन चारों में से कौन सा है जो सबसे तेजी से इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, इन चारों में से सबसे तेज इलेक्ट्रोफाइल कौन बनाएगा। आउट ऑफ दीज फोर विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस मोर इजिली, या जिसका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करना सबसे फास्ट होगा वो कौन होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वही होगा। तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, इलेक्ट्रोफाइल जो सबसे आसानी से देगा उसका रेट ऑफ एडिशन सबसे फास्ट होगा। तो रेट ऑफ EAR जो आ जाएगा यहाँ पे, रेट ऑफ EAR विथ रेस्पेक्ट टू HX क्या ऑर्डर फॉलो करेगा, सबसे तेजी से HI देगा, उससे थोड़ा स्लो HBr देगा, उससे भी ज़्यादा स्लो HCl देगा और सबसे स्लो HF में मिलेगा। तो जब हम रेट अरेंज करने जा रहे होंगे, रेट ऑफ AR विथ रेस्पेक्ट टू HX, तो आपको ये ऑर्डर लगेगा, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करने की जो सबसे ज़्यादा क्षमता है वो HI की है, क्योंकि HI मोस्ट एसिडिक है ना। HI क्या है, मोस्ट एसिडिक है। और जो कंपाउंड मोस्ट एसिडिक होते हैं वो H+ सबसे आसानी से रिलीज करते हैं। बोलिए हाँ या ना, ये करेक्ट है, वो H+ सबसे आसानी से प्रोड्यूस करते हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे नहीं ज्योति, H+ जो सबसे आसानी से देगा वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। तो जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा उसका एडिशन का रेट सबसे फास्टर होगा, तो हमारा जो HI है वो सबसे तेज जाएगा। ठीक, इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब चलते हैं एल्कीन पे। ठीक, अब जब हम एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी। अब हमारा मार्कोनिक ऑफ रूल आना है, बट उसके पहले एल्कीन आना है। ठीक, चलो जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन करेंगे हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे, जो कि एक सिमेट्रिकल एल्कीन है,
अगर हम इस पे HBr डालेंगे तो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इस पे जाएं और ऐड करें HBr, जिसमें H पे क्या है पॉजिटिव पार्ट और Br क्या होगा नेगेटिव पार्ट, तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा CH3 CH2 Br, यही मिलेगा चाहे हम जिधर ऐड कर दें। अब आपको बोले कि इसका मैकेनिज्म करके बताइए, तो मैकेनिज्म का पाथ समझ लीजिए। मैंने आपको कल ही बताया था कि मैकेनिज्म दो टाइप से जाता है, कुछ मैकेनिज्म ऐसे हैं जो साइक्लिक इंटरमीडिएट से जाते हैं और कुछ मैकेनिज्म ऐसे जो कार्बोकैटायन से जाते हैं। तो जो जो रिएक्शन कार्बोकैटायन से जाएगा, ठीक है, जो जो रिएक्शन कार्बोकैटायन से जाएगा उसमें रीअरेंजमेंट के पॉसिबिलिटीज हैं, और जिसमें कार्बोकैटायन नहीं बनेगा साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, वहां पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सो ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है, ध्यान रखना ही पड़ेगा। सो चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, ये जो HBr है वो आयनाइज होगा और बनाएगा H+ प्लस Br माइनस, ठीक है। अब उसके बाद जो H+ बन गया इलेक्ट्रोफाइल, वो क्या करेगा, क्योंकि एल्कीन सिमेट्रिकल है तो किसी भी पोजीशन पर जाके जुड़े, डजन मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये किसी भी एल्कीन के किसी भी पार्ट पर जाके जुड़ सकता है, ठीक है, किसी भी कार्बन पर जाके जुड़ सकता है। तो होगा क्या, जुड़ेगा, तो जिस पे जुड़ेगा उस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, उसके अपोजिट वाले पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। मान लो जुड़ा यहां पे तो पॉजिटिव यहां पे, अब उस पॉजिटिव पे क्या करना, अपन लोग को Br- को भेज देना है और प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 Br। ये तो एकदम इजीली बन गया, सिमेट्रिकल है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपका सीधा सीधा मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। आप कहीं जोड़ दो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि इसमें दोनों साइड से सेम प्रोडक्ट आएगा। जब दोनों साइड से सेम प्रोडक्ट नहीं आएगा तब हमें रूल की जरूरत पड़ेगी, अभी हमें किसी रूल की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल एडिशन होगा और हो गया। अब चलो आगे चलते हैं, अब जो आगे है आपको कुछ रिएक्शन दे रहा हूं, ठीक है। अब मैंने इसमें स्पेसिफाई नहीं किया, बस आप मान लो मैंने आपको दिया 2-ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन सिमेट्रिकल एल्कीन है कि अनसिमेट्रिकल, अगर इस पर हम HBr डालेंगे तो क्या बनेगा। उसके बाद साइक्लोहेक्सीन, इस पे HBr डालेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, इस पे क्या बनेगा। तो क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल एल्कीन है तो इस केस में आपको प्रोडक्ट एक ही मिलेगा, 2-ब्रोमोब्यूटेन, चाहे जिधर से जोड़िए प्रोडक्ट तो यही होगा, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा 2-ब्रोमोब्यूटेन बनेगा। डबल बॉन्ड में से किसी एक डबल बॉन्ड पे प्लस जोड़ दो, किसी दूसरे डबल बॉन्ड पे माइनस जोड़ दो, प्रोडक्ट में कोई चेंजेज आने वाले नहीं है, प्रोडक्ट सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। इसमें भी सेम होगा, कैटायन बनेगा और Br जाके एक पोजीशन पर जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, 1-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिकल एल्केन में कोई रूल का फॉलोइंग नहीं होता है। जो मार्कोनिकॉफ रूल है अब मैं बताने वाला हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ अनसिमेट्रिकल के लिए है, ठीक है, वो सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए है, सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए जो हमारा है वो कोई रूल फॉलो नहीं होता है। यहां तक क्लियर हुआ, सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए कोई रूल फॉलो नहीं होता, वो नॉर्मल होता है बस। तो अब हम लोग आगे चल सकते हैं ना, यहां तक क्लियर हुआ सभी को, सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद द मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अगला जो है हमारा वो मार्कोनिकॉफ रूल है, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल। इस रूल में क्या है, ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल है और ये रूल कहां कहां पे फेल हो जाता है, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा है मार्कोनिकॉफ रूल, जस्ट ए मिनट,
ये वी है, ठीक है, मार्कोवनिक ऑफ, इसको वी लेना है, वी यू बन गया था मार्कोवनिक ऑफ्स रूल। अब मार्कोवनिक ऑफ्स रूल क्या होता है, अब इसके बारे में चलो बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात मार्कोवनिक ऑफ्स रूल, सबसे पहला तो ये है, इट इज अप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन में ये काम नहीं करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रहना चाहिए, इट इज अप्लीकेबल अप्लीकेबल ओनली फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सिर्फ और सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए है। सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो ये काम नहीं करेगा, सिमेट्रिकल एल्कीन में ये वर्क नहीं करता है, ठीक है, ये काम कहीं नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अनसिमेट्रिकल में ही काम करता है। तो जो पीछे तीन रिएक्शन देखे वो सब सिमेट्रिकल वाले थे, इसलिए वहाँ पे मार्कोवनिक ऑफ रूल आया नहीं था, वो नॉर्मल रूल से काम हुआ था। यहाँ पे आप देखोगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, अब ये रूल क्या बोलता है, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल अब इस पूरे जो हमारा रिएजेंट है उसका एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक होता है नेगेटिव पार्ट, जैसे H प्लस बी आर माइनस, ऐसे कोई भी रिएजेंट हो एक पार्ट पॉजिटिव होगा पक्का और एक पार्ट नेगेटिव होगा, ये भी एकदम पक्का है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट एडेड टू दैट कार्बन ऑफ एल्कीन, अब ध्यान रहे एल्कीन का मतलब है यहाँ पे कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होगा, केवल डबल बॉन्ड पे, सिंगल बॉन्ड पे ले जाकर मत जोड़ देना, मतलब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा, एक पे कम, वहाँ के लिए बात हो रही है। दैट कार्बन ऑफ द एल्कीन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड वाइसे वर्सा, हाइड्रोजन एंड वाइसे वर्सा, मतलब इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव पार्ट वहां जाकर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। तो इसमें आपका ध्यान ये देना है, इस रूल के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव पार्ट है रिएजेंट का वह एल्कीन के उस कार्बन पे जाकर जुड़ने वाला है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, और नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। तो एक एग्जाम्पल से आइए आप कहीं समझा दें, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोपीन लें, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, तो देखो बच्चों, अब बोलोगे सर CH3 पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो एकदम पगलैती वाली बात हो जाएगी, एकदम ऐसा फालतू बात नहीं करना है, ठीक है ना। ये एल्कीन केवल ये दोनों कार्बन है, ठीक है, हमारा जो एल्कीन सेक्शन है वो यहां से यहीं तक है, जबरदस्ती का जाके अब किनारे वाले पे जोड़े ना तो फिर हो जाएगा कल्याण, दिमाग का दही हो जाएगा, सब गड़बड़ सड़बड़ कर दोगे, ठीक है, तो ये करना नहीं है, ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि एल्कीन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, उनमें से जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे पॉजिटिव पार्ट जोड़ेंगे और जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट। तो मान लो मैंने इस पे आपको बोला चलो HBr जोड़ो, HBr में हम सब जानते हैं H पे पॉजिटिव पार्ट और Br पे नेगेटिव पार्ट, तो यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है तो यहाँ H जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ Br जुड़ेगा, यही रूल है मार्कोवनिक ऑफ रूल। CH3 यहाँ पे कम वाले पे आके Br जुड़ेगा और ज़्यादा वाले पे H जुड़ जाएगा तो CH2 से CH3 हो जाएगा, ये है प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिक ऑफ, यही मार्कोवनिक ऑफ रूल है। दिखा सभी को मार्कोवनिक ऑफ, कितना आसान है ना मार्कोवनिक ऑफ रूल। अब मार्कोवनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग हम तो कर लिए ये, बट हम लोग मार्कोवनिक ऑफ को ध्यान में रखेंगे, बट मार्कोवनिक ऑफ कई जगह फेल होता है, इसलिए मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, हम लोग अपने दिमाग में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को प्रिफर करेंगे। मैं इसका मैकेनिज्म करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैकेनिज्म मार्कोवनिक ऑफ रूल का आपको दिखाऊंगा कार्बोकैटायन, ठीक है, और कार्बोकैटायन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाएंगे, ठीक है। एल्कीन प्रिपरेशन में एक सेक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल,
वहाँ जाके कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसकी यहाँ पे हमें भरपूर जरूरत पड़ेगी, उसके बिना काम होने वाला नहीं है। सो चलो मैकेनिज्म करने जा रहा हूँ इसका डिटेल में, एक का मैकेनिज्म करूँगा, बाकी आपको खुद से करना होता है, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड, मैकेनिज्म कैसे हुआ होगा, ये जो एडिशन है वो कैसे हुआ होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, HBr आयनाइज होगा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, है ना। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेते हैं, H प्लस प्लस Br माइनस, ठीक है, Br माइनस, अपना इलेक्ट्रोफाइल इधर आ गया, बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, एल्कीन पे ले जाकर जोड़ेंगे। तो आइए एल्कीन बनाते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैं इसमें थोड़ा लेबलिंग करूंगा क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं स्टार बना देता हूँ इस कार्बन को, ठीक है, और इस कार्बन को डेल्टा बना देता हूँ, मतलब एक कार्बन स्टार्ड है और एक कार्बन डेल्टा है। मैं क्यों बनाया हूँ अभी आपको दिखाता हूँ। मैं दो पाथ फॉलो करूँगा और दोनों पाथ को आपको समझना है, ठीक। अब क्या करेंगे, पाथ वन ले लेते हैं, ठीक है, पाथ वन को मानते हैं स्टार वाला, ठीक, ये स्टार वाला पाथ है, इस पे एच प्लस जोड़ूंगा, मार्कोनिका फॉलो होगा, इस पे एच प्लस जोड़ूंगा जिस पे डेल्टा है, इस पे मार्कोनिका फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इस पे जोड़ोगे बच्चों, इस वाले पे, आपको सबसे पहले देखिए क्या बना, CH3 इस वाले बनेगा कार्बो कैटायन सेकेंडरी 2 डिग्री का, और स्टार वाले पे अगर हम H जोड़ देते हैं तो हमारा सेकेंडरी बनता है, और अगर हम डेल्टा वाले पे जोड़ते हैं तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो प्राइमरी बनेगा। अब देखो जरा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ ये बनेगा, और जब हम मार्कोनिकॉफ की बात नहीं करेंगे तो ये बनेगा। यहाँ जो कार्बोकैटायन बना है वो 2 डिग्री का है, यहाँ जो कार्बोकैटायन बना है वो 1 डिग्री का है। अब इस 1 डिग्री में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, है ना। हाइपर कंजुगेशन जो इम्पोर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल है एल्किल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए, वो यहाँ पे 2 है। और यहाँ हम सेकेंडरी 2 डिग्री के कार्बोकैटायन में देखें अगर, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है, है ना, 6 इधर, 2 2, 3 इधर 3 इधर, और इसमें केवल यहाँ बगल में इस पे 2 है तो 2 ही हो जाएगा। तो दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो हमें देखने ये मिल रहा है कि नीचे वाला क्या है, अनस्टेबल है, है ना, हाईली अनस्टेबल है, प्राइमरी है, और ये बना सेकेंडरी जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है। तो जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमें अब यहाँ मिलने वाला है मेजर प्रोडक्ट, ये नहीं फॉलो करेगा, ये वाला पाथ डेल्टा वाला पाथ फॉलो नहीं होगा, मतलब कि रिएक्शन एक मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन से जाने वाला है। अब इसमें क्या करना है, ले आके Br- को जोड़ देना है, इसमें बस Br- जुड़ जाए, ख़त्म। Br- आएगा और जहाँ प्लस है वहीं पे जाके जुड़ जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो नाउ वी आर ऑब्टेनिंग 2-bromo-propane, दिस इज 2-bromo-propane, ठीक है, 2-bromo-propane। अब ये क्यों ध्यान रखना है, हम इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इसलिए कंपेयर किए कि जब मार्कोनिकॉफ रूल वायलेट हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा, उस केस में देखना बच्चों कैटायन फॉलो करता है। कैटायन जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो यूनिवर्सल फॉलो होता है, वो डेविएट नहीं होगा। तो अगर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी लेकर चलें तो मार्कोनिकॉफ अपने आप फॉलो हो जाएगा, बट अगर हम मार्कोनिकॉफ लेकर चलेंगे तो कई बार कैटायन गड़बड़ हो जाएगा। सो हम मार्कोनिकॉफ को इधर तो रखेंगे बट एक्सपेरिमेंटल में यहाँ यूज नहीं करेंगे, यहाँ यूज करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन, हम पूरे कार्बो कैटायन को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे ये प्रोडक्ट बन गया। अब जितने भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन देंगे आप सब में कार्बो कैटायन को देखोगे, ठीक है, हम हर जगह क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन। सो लेट्स स्टार्ट मेनी रिएक्शन। हाँ, स्टार वाला मोर स्टेबल है तो मोर स्टेबल हायर प्रोडक्ट देगा, ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट देगा, दैट्स ऑल। सो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन करने, ये था आपका पहला, अब मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट, हम लोग बनाएंगे 1 by 1 प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन ले, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन, मैं 15 क्वेश्चन दूंगा, आप सब लोग इसको पूरा करिएगा, ठीक, और कल जब स्टार्ट करूंगा लेक्चर तो इसको सॉल्व करूंगा। कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन, जिन लोगों को कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं पता है वो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एल्किन, इसी वाले
प्लेलिस्ट में आप देख रहे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और रिअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो आपको वन पहला क्वेश्चन नंबर वन, CH3 डबल बॉन्ड CH2, इस पे जोड़ना है HBr, पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। दूसरा pH, और इधर भी हो गया pH, ठीक, और इसमें डालना है HBr। अब देखो यहीं पे अल्फा हाइड्रोजन समान हो गया ना, तो मार्कोनी का रूल फॉलो नहीं होगा, तो आप कौन सा रूल फॉलो करोगे आपको पता है। देन इसके बाद ये है CH2, इस पे डालो HBr, तीसरा हो गया ABC कर देता हूँ ना, ये A, ये B, ये C, अब आते हैं D पे, D है हमारा क्वेश्चन नंबर ये, इस पे HBr डालना है क्या बनेगा, उसके बाद ये ले लो pH, यहाँ पे HBr डालना है, HCl भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, HCl भी लिया जा सकता है, देर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ pH, यहाँ CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, इसमें डालेंगे HBr, तो क्या होगा, ABCD हो चुका है ना, D के बाद E, E के बाद ये F, सब बनाते चलो फटाफट, ठीक है, सबका बनाना है, एक पन्ने और मैं बनाऊंगा, अभी कम बना है, इतना बनाना है पहले, ये आपके हो गए ABCDEF। इसके बाद और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कितना बना लो पहले, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे क्वेश्चन चलो मैं फटाफट, तो स्क्रीनशॉट मार दो आप लोग, तो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलेंगे। एफ के बाद GHIJKLMN, जितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं लिख के जाएंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट चलता हूँ। एफ के बाद जी है ना, जी में देखिए ये होगा, ये जी है, इसमें HBr डालना है ये, और जी के बाद ये H, मैं सबका मैकेनिज्म कल कराऊंगा, ठीक है ना, सबका मैकेनिज्म कराऊंगा, घबराओ मत। फिर CH3 OCH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HBr डालना है, देन CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HBr डालना है, देन NO2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें HBr डालना है, देन इसके बाद यहाँ मेथाइल लगा देते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है, इसमें HBr डालना है, कितना हो गया, वहाँ F तक हुआ था, यहाँ F के बाद G, H, I, J, K, L, इतना सफिशियंट है, इतने का लगा लीजिएगा, अभी बहुत सारे एग्जांपल आते रहेंगे, तो बाकी एल्कीन भी कर लेंगे जितने टाइप के हैं, तो इतने क्वेश्चन आपको क्या करना है, सभी लोगों को लगाने हैं, इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर लेके आने हैं, आप इसको कंप्लीट करिएगा, ठीक है। सो आज की सभा यहीं तक।